आपको अभी एक कागज दिया गया है, उसमें जो सीबीसी में प्रतिपक्ष की नेता उस कॉलेजियम की मेंबर के रूप में उन्होंने लिखा हुआ आई डिसएग्री, और यही कागज वहां जमा है। 2G स्कैम की इंक्वायरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यही वर्तमान सीबीसी, उस टाइम टेलीकम्युनिकेशन सेक्रेटरी थे, इन्होंने लीगल ओपिनियन लिया था जो सीबीसी के दायरे के बाहर ले जाता था, तो उस चीज का भी संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। मैंने सुबह भी कहा था, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी में ये बात उठी थी कि सद्बुद्धि बख्शे भगवान सरकार को कि किसी भी प्रावधान पर उसके अपॉइंटमेंट को निरस्त करे या उसको बर्खास्त करे, और वो तुरंत करे, कहीं सुप्रीम कोर्ट ही उसके अपॉइंटमेंट को निरस्त ना कर दे। ठीक है, नहीं नहीं ये तो कह रहे हैं कि भारत देश आजाद होने के बाद सबसे बड़ा घोटाला है और इसीलिए जेपीसी मांगी जा रही है, ये तो कहा जा रहा है बार बार। ये जो WikiLeaks पर जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए हैं अमेरिका के कॉन्फिडेंशियल, उसमें ये भी कहा गया है कि हिलरी क्लिंटन ने ये कहा कि भारत तो अपने आप को सेल्फ अपॉइंटेड देखता है फॉर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इस तरह कई एम्बेरेसिंग कम्युनिकी हैं जो किए गए हैं अमेरिकी दूतावासों द्वारा विदेश मंत्रालय को। आपको क्या लगता है भारत सरकार को क्या करना चाहिए इस WikiLeaks पर? देखिए, जो WikiLeaks के केबल गेट जो हो रहा है, जैसे एक बार वाटर गेट हुआ था, ये केबल गेट है। ये केबल गेट के माध्यम से जो केबल के कंटेंट डिस्क्लोज कर रही है कोई संस्था, इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की कूटनीति सिर्फ कूटनीति ही नहीं है, राष्ट्र की कूटनीति के माध्यम से राष्ट्र का स्वार्थ, राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की सारी कुछ जुड़ा होता है, तो इन चीजों का संज्ञान लेते हुए सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये देखने की बात है कि हिलरी क्लिंटन ने ये जो केबल 3 कंट्रियों को भेजी थी, जर्मनी को, ब्राजील को और जापान को, ये 3 कंट्रियों को जो भेजी थी, इस कंट्रियों को भेजने की तारीख क्या थी? क्या वो ओबामा के यहाँ आने के पहले की है, ओबामा के आने के बाद की है, या ओबामा ने जब यह बात कही प्रेसिडेंट ओबामा ने कि ये परमानेंट ये बनना चाहिए भारत को मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, उस वक्त किया है? इसका संज्ञान यहाँ भी लेना चाहिए और वहाँ भी लेना चाहिए कि प्रेसिडेंट ओबामा और हिलरी क्लिंटन के कूटनीति में क्या दो फर्क है। कर्नाटक के अखबारों में एक ऐसा एडवर्टाइजमेंट छपा है जिसमें HD देवगौड़ा और कुमारस्वामी का जो कार्यकाल था उस दौरान उनके द्वारा की गई लैंड ग्रैबिंग की जानकारी आपने दी है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है और क्या वहां की सरकार इस बारे में कोई जांच भी करवाने की बात सोच रही है? वहां जो जुडिशियल कमीशन बनाया गया है उसमें वर्तमान सरकार, इसके पहले की 3 सरकारों ने जो इस तरह की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि गलतियां हुई हैं या सो कॉल्ड घोटाले हुए हैं, उन सारी कागजों को उन्होंने सौंपा है। अब वो जुडिशियल कमीशन देखेगा और उसका संज्ञान लेगा और अंततः सामने आएंगी चीज़ें। ये तो स्टेट की पार्टी ने किया है, ने लोकायुक्त जी के पास में किसी ने एक पिटीशन दिया है, उस पिटीशन का संज्ञान लेते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से कोई जवाब मांगे, जवाब को आ लेने दीजिए, उसके बाद हम उस पर अपनी टिप्पणी करेंगे। यूपीए के एक वरिष्ठ मंत्री ने ये बात कही है कि जो सरकार कॉरपोरेट सेक्टर के साथ सिलेक्टिवली भेदभाव कर रही है, ये सही नहीं, इससे कॉरपोरेट
शरद पवार, शरद पवार ने ये बात कही है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? ऐसा है कि कल यूपीए की बैठक हुई थी, इसका सही जवाब तो सरकार ही दे सकती है या यूपीए के स्पोक्सपर्सन ही दे सकते हैं कि उनकी प्रोसीडिंग क्या हुई है। पर अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि वहाँ पर कॉरपोरेट जगत और स्टॉक मार्केट के बारे में भी चर्चा की गई है। ये सरकार को देखना है, सरकार में स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज़ अगर स्टॉक मार्केट में हड़कंप मच जाता है और जो FII है वो बेचकर बाहर जाते हैं, जो विदेशी निवेशक हैं वो निवेश बंद करते हैं, तो सरकार की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसको मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे देश में 3 एजेंसियां काम करती हैं, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, दूसरी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है और तीसरा RBI करता है। ये उनके कार्यक्षेत्र हैं, वो मंत्री यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो जरूर अपने सहयोगियों से या प्रधानमंत्री से ऐसा सवाल करके जवाब मांग सकते हैं, उनको मिलना भी चाहिए, क्योंकि देश की अर्थनीति पर और आर्थिक अवस्था पर, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। चुने हुए जो कॉर्पोरेट्स की बात है, जो खासतौर पर रतन टाटा के सुप्रीम कोर्ट जाने की वजह से उठाया गया है, उस मुद्दे पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया? क्या सरकार वाकई में कॉर्पोरेट्स के साथ सेलेक्टिवली भेदभाव कर रही है? ऐसा है, ये टेप जो लीक हुए हैं, सुना है कि एक CBI ने एक एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा है कि उनके पास में 5,811 कन्वर्सेशंस हैं और वो करीब 2,000 घंटे की हैं। ये जो टेप लीक्स हुई हैं अभी, ये सिर्फ 10 घंटे की लीक्स हुई, 1,990 घंटों की टेप अभी भी उनके पास है। ये टेप किसी प्राइवेट एजेंसी ने नहीं किए थे, ये रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किए थे। तो उनकी कस्टडी से ये बाहर किसने निकाले और किसके कहने पर निकले, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ये सारी चीज़ें तब सामने आएंगी कि किस तरह कॉरपोरेट जगत मीडिया के प्रमुख लोगों को का प्रयोग कर और लाइजनिंग कंपनी लॉबिस्ट लोगों को इन्वॉल्व करके, जब कैबिनेट का गठन हो रहा था, कौन विभाग किसको मिले, तो उसमें सामने आता है कॉरपोरेट जगत का जो CEO है उसका टेलीफोन भी है, लॉबिस्ट का भी है और मीडिया जगत के ऊंचे नामों का भी कन्वर्सेशन है, पर तीनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं कि फला आदमी फला विभाग में मंत्री नहीं बनना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं किस घोटाले से। कभी कभी मैं सोचने लगता हूं कि अगर इतनी लॉबी बनकर लॉबी होकर कोई मंत्री बनता है तो अपना भविष्य तो कुछ है नहीं। सर, टेप से जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। इसमें जो आपने कहा जो 10 घंटे का लीक हुआ, उसमें दो टेप्स ऐसी हैं जिसमें बीजेपी का भी जिक्र है। एक तो JDU के NK सिंह से नीरज राठिया की बातचीत है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि फरवरी 2009 के बजट सेशन में, फाइनेंस बिल में जो डिस्कशन है, उसके लीड स्पीकर जो है वेंकैया नायडू को बना दिया गया अरुण शौरी को बदल के। NK सिंह इस बात का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कराया है। एक तो बीजेपी की प्रतिक्रिया उस पर चाहूंगा। दूसरा, नविका कुमार टाइम्स नाउ की जो पत्रकार है उनसे बात करते हुए मीरा राठिया उनको बताती हैं कि आज जसवंत सिंह एक चिट्ठी देने वाले हैं बीजेपी में, जिसके चलते वहां का रिवोल्ट होने वाला है। तो कैसे मीरा राठिया को ये जानकारी बीजेपी के लीडर से पहले मिल जाती है, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। और दूसरा, जो NK सिंह ने जो कहा, मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ कि जो हमारी पार्टी में विद्रोह होने की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें विद्रोह नहीं हुआ करते। और कैसे उनके पास ये जानकारी मिली, ये आपको टेप से खुद पता लगता है, तो उसके लिए मेरे से सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझते हैं, समझदार हैं और समझ सकते हैं। दूसरा, जो पहला प्रश्न है कि NK सिंह से जो बात हुई, NK सिंह हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है, NDA के हमारे घटक दल के सदस्य हैं,
उनकी जो नीरा राडिया से बात हो रही है और जिस चीज का उल्लेख उन्होंने किया है, मैं जो हम लोगों के यहाँ सिस्टम है उस सिस्टम में कौन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो थैंक्स मोशन होता है उस पर डिबेट को कौन इनिशिएट करेगा, जनरल बजट को कौन इनिशिएट करेगा और फाइनेंस बिल को कौन इनिशिएट करेगा, और बजट सेशन में जो डिपार्टमेंटल फंक्शनिंग पर जो मीटिंग होती है उसकी डिबेट को कौन इनिशिएट करेगा, इसकी लिस्ट हम लोग बजट सेशन आरंभ होने के पहले ही कर लेते हैं और हमने कर ली, हमने उस पर कर लिया। कर लेने के बाद में जब बजट आ गया फरवरी के लास्ट वीक में, बजट आने के बाद में उसमें किसी कॉरपोरेट ग्रुप को किसी इनकम टैक्स या सेंट्रल एक्साइज के किसी सेक्शन, सर 35D है, उस सेक्शन के संशोधन के कारण कोई 20,000 करोड़ या 40,000 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ, जिसको लेकर वो चिट्ठियां बांटी गईं और लोगों का कहना शुरू हुआ, तो उन्होंने अपनी शंका जाहिर की है कि फला आदमी इस पर नहीं बोलेगा या फला आदमी बोलेगा, ये सब शंका जाहिर हुई। उसमें हमने जिनको हमारे वेंकैया नायडू जी प्रथम वक्ता थे उसके, और प्रथम वक्ता वो 13 जुलाई को बोले हैं, उन्होंने डिबेट को इनिशिएट किया है, 2 चैप्टर्स में उनकी स्पीच है और करीब 40-50 पेज में वो स्पीच वर्बेटिम में 1 घंटा 10 मिनट बोले हैं। उसमें उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के बारे में बात करते हुए उस इंडस्ट्री के बारे में भी उल्लेख किया है